मुंबई में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। नई दिल्ली केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल संसद में अंतिम बजट पेश कर रहे हैं। इससे पहले मोदी कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी। मोदी सरकार ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट भाषण में पीयूष ने कहा कि किसानों के खाते में 6,000 रुपए डाले जाएंगे। यह जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक जमीन, उनको लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रक्षा बजट बढ़ाकर 3 लाख करोड़ किया गया है। मोदी सरकार ने OROP पर 35,000 करोड़ दिए। कामधेनु योजना के लिए मोदी सरकार ने 750 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही है। श्रमिकों को बोनस बढ़ाकर 7,000 किया गया। श्रमिकों के मौत पर 6 लाख मुआवजा बढ़ाया। टैक्स को लेकर हुए ये ऐलान। पिछले बजट में लाए गए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। इतना ही नहीं, बैंक और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पर 10,000 की जगह अब 40,000 रुपए तक का ब्याज टैक्स फ्री हो जाएगा। रेंटल इनकम पर TDS की सीमा की 1.80 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.40 लाख रुपए हो गया है। आइए देखते हैं अंतरिम बजट 2019 और 20 के मुख्य बिंदु। नंबर 1, 2 सालों के भीतर कर निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। नंबर 2, IT रिटर्न्स के केवल 24 घंटों में प्रोसेस किया जाएगा। नंबर 3, केंद्र सरकार राज्यों को GST वस्तु एवं सेवा कर का न्यूनतम 14% राजस्व देगी। नंबर 4, 36 पूंजीगत वस्तुओं पर से सीमा शुल्क हटा दिया जाएगा। नंबर 5, GST परिषद ने घर खरीदारों के लिए GST दर घटाने की सिफारिश की। नंबर 6, सभी कटौतियों के बाद 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर पूर्ण कर छूट। नंबर 7, मानक कटौती 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई। नंबर 8, खुद रहने पर दूसरे घर पर भी कर छूट मिलेगी। नंबर 9, आयकर की धारा 194A के तहत TDS की सीलिंग सीमा महिलाओं के लिए 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए की गई। नंबर 10, आयकर की धारा 194I के तहत TDS की सीलिंग सीमा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए की गई। नंबर 11, आयकर की धारा 54 के तहत पूंजीगत कर लाभ को एक रिहायशी आवास में निवेश से बढ़ाकर 2 रिहायशी आवासों के लिए कर दिया गया है। नंबर 12, आयकर की धारा 80IB को अतिरिक्त 1 साल के लिए 2020 तक बढ़ा दिया गया है। नंबर 13, बिना बिक्री इन्वेंट्री के लाभ को 1 साल से बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया है। अन्य क्षेत्रों में नंबर 14, राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 42% की गई। नंबर 15, 3 प्रमुख बैंक PCA फ्रेमवर्क से बाहर। नंबर 16, 10% आरक्षण देने के लिए सीटों में 2 साल का इजाफा किया जाएगा। नंबर 17, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन। नंबर 18, सभी के लिए भोजन मुहैया कराने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। नंबर 19, हरियाणा 22वां एम्स खोला जाएगा। नंबर 20, प्रधानमंत्री किसान योजना को मंजूरी। नंबर 21, 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले हर किसान को 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, जो सितंबर 2018 से लागू होगा। रकम 3 किश्तों में हस्तांतरित की जाएगी। नंबर 22, गायों के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए दिए। नंबर 23, पशुपालन करने वाले किसानों को 2% का ब्याज सब्सिडी। मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग का गठन। नंबर 24, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए 2% ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त 3% सब्सिडी। नंबर 25, मुफ्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। नंबर 26, 21,000 रुपए मासिक कमाने वाले कामगारों को बोनस की सुविधा। नंबर 27, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 100 रुपए मासिक योगदान से 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए प्रति माह का पेंशन प्रदान किया जाएगा। नंबर 28, सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन जारी किए। नंबर 29, GST के तहत पंजीकृत MSME को 2% ब्याज सब्सिडी। नंबर 30, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 26 हफ्तों का मातृत्व अवकाश। नंबर 31, रक्षा के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन। नंबर 32, अगले 5 सालों में 1 लाख गांव डिजिटल बनेंगे। नंबर 33, भारतीय फिल्मकारों को मंजूरी के लिए एकल खिड़की मुहैया कराई जाएगी। तो देखते रहिए खास खबर MNS न्यूज के साथ। MNS न्यूज की खास खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर
शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।